हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे स्नैपचैट में यहाँ पे ऐड फ्रेंड पे क्लिक करते हैं, किसी को फ्रेंड बनाने के लिए ऐड फ्रेंड पे क्लिक करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको समथिंग वेंट रॉन्ग करके प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रॉब्लम को दोस्तों आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आता है वो बेसिकली अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क वगैरह का इशू रहता है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लोग यहाँ पे नेटवर्क वगैरह को चेक कर लीजिए, ओके। और अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क वगैरह सारी चीज़ें सही हैं तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपके फ़ोन में जो जो स्नैपचैट का एप्लीकेशन है उसमें एक सेटिंग होता है नेटवर्क का। तो गाइज़, वो अगर बंद रहता है तब आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो आगे मैं आपको वीडियो में उसको ऑन करने का तरीका भी बताने वाला हूँ, तो बस आप लोग देखते रहिए। तो सबसे पहले गाइज़, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में स्नैपचैट को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सेटिंग को ओपन करना है अपने फ़ोन में। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है, फिर यहाँ पे आपको ऐप का ऑप्शन आता है, तो फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन में क्लिक करना है। मैनेज एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से दिखाई देता है, तो फिर यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से स्नैपचैट लिखना है। स्नैपचैट लिखने के बाद यहाँ पे आपको स्नैपचैट को ओपन कर लेना है। स्नैपचैट को ओपन आप जैसे ही करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से जो है दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे ऐप परमिशन पे जाना है, और यहाँ पे आपको, अरे सॉरी, यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्टेड डेटा यूसेज का ऑप्शन आता है, या तो फिर डेटा यूसेज लिखा रहेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वाईफाई एंड मोबाइल डेटा का ऑप्शन आएगा, दोनों को आप लोग यहाँ पे इसको इनेबल कर लीजिए। अगर ये दोनों ऑप्शन आपके फ़ोन में बंद होता है तो आपके फ़ोन में ये जो एप्लीकेशन है उसमें नेट नहीं चलता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली से ये जो दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे इनेबल करना है और ओके करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी और यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।